हेलो क्लास, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 2.5। इधर विच की क्या देखो, पहला सम सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन गिवन है अपन नु, विच इज एक्स बाय टू माइनस वन बाय फाइव इक्वल्स टू एक्स बाय थ्री प्लस वन बाय फोर। सेम अपा है प्रीवियस सम्स वांग ही करना है। अपा किदी वैल्यू फाइंड करांगे, एक्स दी। सो गिवन अपन की है वैल्यू एक्स बाय टू माइनस वन बाय फाइव इक्वल्स टू एक्स बाय थ्री प्लस वन बाय फोर। सो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोज मैथड जो आप ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइजेज विच कर चुके हैं, तो आप की करांगे एक्स की वैल्यू फाइंड करांगे। एक्स बाय टू माइनस एक्स बाय थ्री प्लस द एक्स बाय थ्री, इधर आके माइनस द एक्स बाय थ्री हो गया। एक्स वाली आप सारिया एक साइड कर लिया दोनों, दैन दूजी साइड क्या गया वन बाय फोर प्लस वन बाय फाइव। विद द हेल्प ऑफ एलसीएम आप इन्हों सॉल्व करांगे। नीचे किया गया सिक्स, उपर क्या होगा थ्री एक्स माइनस टू एक्स, सेम इधर ही फाइव प्लस फोर बाय 20। सो इत आ गया कैलकुलेट करके x बाय सिक्स विच इज इक्वल टू नाइन बाय 20। नाउ विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। 20 इंटू एक्स इक्वल टू नाइन इंटू सिक्स। सो इत कि वैल्यू आ गई 20x इज इक्वल टू नाइन सिक्स 54। x इक्वल्स टू 54 बाय 20, सो आफ्टर कटिंग कितना आ गया राजे वैल्यू 10 बाय 27। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 27 बाय 10, और यू कैन आल्सो से एक्स इक्वल्स टू 2.7। सो ये वैल्यू कितनी आ गई एक्स 2.7। सेम आप इसी तरीके नाल अगला सम देखते हैं, जिदे विच इक्वेशन आप अलग तरीके नाल दिती हुई है, विच इज गिवन की है 3 ब्रैकेट 5z माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट 9z माइनस 11 इक्वल्स टू 4 8z माइनस 13 माइनस 17। ये अपन गिवन इक्वेशन दिती हुई है। हुण इहदे विच अपना केड़ा वेरीएबल यूज हो रहा जैड, सो आप जैड वाली वैल्यूज एक साइड ले आवेंगे, इहदे विचों आप जैड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो इन आप सोल्व करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करेंगे पहला 15z माइनस 21 माइनस 18z प्लस 22 इज इक्वल्स टू 32z माइनस 52 माइनस 17। सो जैड वाली वैल्यूज आप एक साइड ले आवेंगे, माइनस ऑफ 3z माइनस 32z इज इक्वल टू माइनस ऑफ 69 प्लस 21 माइनस 22। आफ्टर सॉल्विंग दिस अपने को किया जाता माइनस 35z इज इक्वल टू माइनस ऑफ 70। सो जैड की वैल्यू किया जो माइनस 70 डिवाइड बाय माइनस 35, माइनस माइनस कैंसल आउट एंड 35 टू जा 17। जैड की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 2। जिमें यह सम दिता है, ये अपने को वैल्यू की है जैड बाय जैड प्लस 15 इज इक्वल टू 4/9। सो अपने को इक्वेशन नहीं दिती है, ये भी आप जैड की वैल्यू कैलकुलेट करांगे, तो अपना केड़ा मैथड यूज होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड, दैट मीनस 9 उस साइड जाओ एंड जैड प्लस 15 4 के नाल मल्टीप्लाई होंगे। आफ्टर सोल्विंग दिस इक्वेशन अपने को की आ जाएगी जैड की वैल्यू, जिमें आप प्रीवियसली सोल्व कर चुके हैं। सो इसी तरीके 2.5 एक्सरसाइज के बाकी के सम भी सोल्व होंगे। हुण 2.6 एक्सरसाइज विच भी आपां नूं फर्स्ट सम की क्या सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इहदे विच भी 2.5 वांग ही इक्वेशन दिती हुई है जिन्हों आप सॉल्व करके एक्स दी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो आप इहदे नाल ही एक सम देखते हैं, इहदे विच देखो आपां नूं गिवन इक्वेशन की दिती हुई है 7y प्लस 4 बाय 4y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4/3। सो इहदे विच भी आपां केड़ा मैथड यूज करांगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड टू सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ वाई। सो आप क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करांगे, 7y प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 4y प्लस 2। सो इन आप सोल्व करांगे इस इक्वेशन तक की आऊ 21y प्लस 12 इक्वल टू माइनस 4y माइनस 8। सो इतो आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, y वाले एक साइड से दूजे एक साइड लिख लेंगे, माइनस 8 माइनस 12 25y इक्वल टू माइनस ऑफ 20। इतो आप y की वैल्यू किमें कैलकुलेट करांगे, 25 उधर आके डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया राजे अपना आंसर 4/5। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4/5, ये अपना किदी वैल्यू आ गई, y दी वैल्यू आ गई। अगला सम देखो राजे, इधर से की क्या द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमीरेटर बाय 8। रैशनल नंबर अपने p बाय q फॉर्म च होंगे, हुण इत्थे की क्या डिनोमिनेटर जो है ग्रेटर दैन इट्स न्यूमीरेटर बाय 8, दैट मीनस डिनोमिनेटर च अपना 8 एड होगा। इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाय 17,
दैट मीन्स न्यूमिनेटर विच अपना किन्ना ऐड होगा 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1 देन डिनोमिनेटर जो है डिक्रीज होया 1 दे नाल द नंबर ऑब्टेन्ड इज अपने को किन्ना होगा 3/2 मतलब हुण आपां इत्थों एक इक्वेशन बनावांगे जिहदी आपां वैल्यू फाइंड करनी है सो लेट करदे आ लेट द न्यूमिनेटर इक्वल्स टू एक्स एंड डिनोमिनेटर किन्ना होगा आपां डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू किन्ना कहा सी इनक्रीज बाय 8 सो एक्स प्लस 8 अपनी डिनोमिनेटर दी वैल्यू होगी सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट न्यूमिनेटर किन्ना हो रहा सी इनक्रीज बाय 17 न्यूमिनेटर दी वैल्यू एक्स है इनक्रीज बाय 17 प्लस 17 देन डिनोमिनेटर अपना की हो रहा सी डिक्रीज बाय 1 दैट इज माइनस 1 देन अपना आंसर किन्ना आ रहा सी नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2 हुण अपने को यह इक्वेशन बन गई जिवें आपां प्रीवियस वन सोल्व कीते सी उदां ही आपां इहनूं भी सोल्व कर लांगे सो इस इक्वेशन नूं आपां सोल्व करदे हां एक्स प्लस 17 बाय एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 3/2 हुण आपां इहदे विच फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड यूज करांगे विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 17 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस 7 सो इहदी वैल्यू की आ गई 2x प्लस 34 इज इक्वल टू 3x प्लस 21 सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू आपां इत्थों आपां किहदी वैल्यू फाइंड कर लेंगे x दी वैल्यू विच इज माइनस x इज इक्वल टू माइनस 13 और माइनस माइनस कैंसल आउट x दी वैल्यू किन्नी आ गई 13 सो यही आपां x दी वैल्यू जो आपां लेट कीते सी न्यूमीरेटर एंड डिनोमीनेटर उहदे विच आपां पुट कर देंगे सो उहनां दी रियल वैल्यू अपने कोल फाइंड हो जाऊ न्यूमीरेटर x सीगा आपां लेट कीता दैट मीन्स न्यूमीरेटर 13 आ गया एंड डिनोमीनेटर अपना किन्ना लेट किया सी एक्स प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 13 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 21 सो अपनी वैल्यू आ गई एंड रैशनल नंबर इन्होंने कहा सी लास्ट दे विच कि रैशनल नंबर दसो की आओ रैशनल नंबर अपना केड़ा हुंदा राजे p by q form च हुंदा दैट मीन्स न्यूमीरेटर बाय डिनोमीनेटर विच इज इक्वल्स टू 13 बाय 21 सो अपना रैशनल नंबर की आ गया राजे 13 बाय 21 इसी तरीके नाल तुहाडे 2.6 दे भी सम बाकी दे सॉल्व होने ने फर्दर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट